प्रथम तहलका न्यूज। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा की महावीर कॉलोनी का है, जहां पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 9.50 लाख की लागत से बनने वाली RMC रोड का उद्घाटन किया। इस रोड के बनने से कॉलोनी वासियों को काफी लाभ मिलेगा और उनकी समस्याओं से भी निजात मिलेगा। वहीं परिवहन मंत्री ने बताया कि 40 साल से ये कॉलोनी विकास के लिए तरस रही थी, पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस एक कॉलोनी में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा भर में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों से कहा कि जितने भी विकास कराने हैं या कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कहो, क्योंकि जब मैं पार्षद के चुनाव में आप लोगों से वोट मांगू तब आप ये ना कहना कि पार्षद ने हमारा विकास नहीं किया। महावीर कॉलोनी की ये दो रोड बाकी थे, पूरा काम कम्प्लीट हो गया था और सारी महावीर कॉलोनी सब RMC है, लाइट है, बिजली की खम्भे हैं, इसके बाद ये कॉलोनी कंप्लीट हो जाएगी। और जल्दी से जल्दी छोटी छोटी जो रास्ते हैं, कहीं एक है कहीं दो हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी इनको पूरा कराएंगे और लोगों की जो सड़कें टूटी हैं पड़ी हैं उनको जल्दी जल्दी से काम। जिस तरह महावीर कॉलोनी में हम देख रहे हैं सारी सड़कें पक्की हो चुकी है, आरएमसी हो चुकी है, पर वार्ड नंबर 40 की बात करें तो बहुत सारी जो गलियां हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया काफी लंबे समय से, तो क्या उसको लेकर किस तरीके? ये 40 साल पुरानी कॉलोनी है महावीर कॉलोनी, सबसे पुरानी कॉलोनी, और सबसे पहले जो बल्लौट बसा था महावीर कॉलोनी से शुरुआत हुई थी। और महावीर कॉलोनी में खम्भे बिजली के मैंने उगवाए और 40 नंबर वार्ड की जहाँ की बात करें वह 7-7 फुट पानी थे, बड़े डिस्पोजल, बड़े बूस्टर, मेन रोड, सब सड़कें टेलों से बनी हुई है और बिना टेल के 40 नंबर वार्ड में कोई सड़क नहीं है। RMC के भी हैं बिना, पहले तो 3-3, 4-4 पानी था और धीरे धीरे जैसे जैसे होंगे सबको जो गली है उन सबको पूरा करेंगे। चुनाव नज़दीक आ रहा है पार्षद का, ऐसे में लगातार आप भी लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि चुनाव में कमल को आगे बढ़ाएं, तो क्या लगता है लोगों का कितना भरोसा है कमल के ऊपर? बल्लौट के लोगों को मेरे पर भरोसा है, मुझे बल्लौट के लोगों पर भरोसा है, दोनों का भरोसा है आपस में। लोग चाहते हैं विकास, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास हुए, ऐतिहासिक, और लोगों को पता है जो कमल मिलेगा उसको चुनाव जिताएंगे। कई कई कॉलोनी ऐसी हैं जहां पर पार्षद की कामकाज से खुश नहीं है जनता, उनको किस तरीके से आप सारे काम ये बताएं, जो काम हो उनका गुणगान करें, जो काम है उन्हें बाकी कराएंगे उनके नेतृत्व में, जो पार्षद ने काम करें उनके गुणगान और मनोहर लाल जी के गुणगान, भाई इतना काम हुआ, जो आगे काम की लिस्ट बताए उन्हें पूरा करा देंगे। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।